तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं आम के फूलों की चटनी। ये देखिए यहाँ होते हैं आम के फूल। जो आम का पेड़ होगा उस पर ऐसे कुछ फूल निकल रहे होंगे। हम इसको धोएंगे और धोने के बाद हम इसको कुछ इस तरीके से इसके फूल निकाल लेंगे, सिर्फ फूल फूल धोने के बाद। तो मैंने यहाँ पे कुछ फूल पहले से निकाल के रखे हुए हैं और ये धुला हुआ है, इसमें चींटियाँ ज़्यादा रहती है, तो उसको धो के और ऐसे फूल निकाल के रखना है। उसके अलावा चटनी के लिए मैंने लिया है एक छोटा टमाटर, एक छोटी प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया, 4 से 6 हरी मिर्चें, लहसुन की कलियाँ और एक छोटा टुकड़ा अदरक। अब हम इसके लिए मिक्सी में सबको मिक्स करके पीसेंगे। अब हम सब कुछ मिक्सी में डालेंगे। इसमें हम डालेंगे इसमें अपने फूल, इसको डालने के बाद थोड़ा सा पानी और मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा विनेगर। आम का जो फूल है ये थोड़ा थोड़ा कच्ची अमेर जैसे टेस्ट देता है, तो इसलिए हम खटास वगैरह सब बाद में देखेंगे। और मैं डालूंगी इसके अंदर थोड़ा काला नमक। हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे। अब ये हमने अच्छे से पीस लिया, एक बार इसको चेक करते हैं। हाँ, एकदम बढ़िया सा पेस्ट बन चुका है और ये सर्व करने के लिए एकदम तैयार है। मैं इसको थोड़ा सा कटोरी में निकाल लेती हूँ। ये देखिए, ये ऑलरेडी चटनी हमारी तैयार है। पराठे वराठे साथ खाने के लिए इसमें कुछ फालतू ऐड नहीं करना एक्स्ट्रा, हल्का सा विनेगर वो भी अगर आपको ज़रूरत हो तो, अदरवाइज जो आम का फूल होता है वो ऑलरेडी खट्टा होता है। चटनी बहुत अच्छी बनी है, इसको स्पाइसी ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये ऐसी अच्छी लगेगी और पेट के लिए भी बहुत अच्छी होती है।